हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो बिल्कुल आसानी से बनकर रेडी हो जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी लगती है। एक बार बना के आप इसे महीनों भर खा सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल की रेसिपी है और हमेशा आप इसे बना सकते हो। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसे जरूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पे क्लिक जरूर करें। सबसे पहले ये हमने कच्चे आलू लिए हैं दो, तो आलू को हम छील लेंगे। तो ये दोनों आलू को हमने छील के पानी में डाल दिया है, इसे हम एक साइड रख देंगे, तब तक आगे तैयार कर लेंगे। तो अब एक बोल में हम एक कप बेसन लेंगे, 3/4 कप चावल का आटा लेंगे। ये हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है, अजवाइन को हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, 2 चुटकी हींग लेंगे, फ्लेवर भी अच्छा आता है और डाइजेशन का काम भी करती है। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो आलू है हमारे, उसको हमने पानी से बाहर निकाल लिया है और अच्छे से धो लिया है, तो इसको हम कट करके इसमें डाल देंगे मिक्सर जार में। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके ही डालना है। तो इसको हम बिना पानी डाले ही ग्राइंड कर लेंगे। तो ये आलू को हमने एकदम फाइन ग्राइंड कर लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिए, हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाना है इसका। 2 चम्मच इसमें हम गरम तेल डाल देंगे। तो साफ हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, अब ये जो डो है हमारा काफी हार्ड लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो कुछ छींटे ही डालने हैं, ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। तो अभी हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, 1 चम्मच जितना। तो बेसन है, इसलिए पानी बहुत ही ध्यान से ही हमें ऐड करना है, एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। तो देखिए, इसको हमने आटे की तरह तैयार कर लिया है, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट सा ही आटा हमें तैयार करना है। तो 5 मिनट इसे हम एक साइड रख देंगे, तब तक हम तेल को गर्म कर लेंगे। तो अब ये हमने एक चकली मशीन लिया है, इसमें हम तेल लगा लेंगे हल्का हल्का सा। तो ये इजिली मार्केट में अवेलेबल है, आपको किसी भी दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। तो ये इसकी जो जाली होती है वो हमने ली है, बड़े छेद वाली हमने ये जाली ली है। इसको इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो इस तरीके से छोटे छेद वाली जो जाली आती है वो भी ले सकते हैं। हाथ में हल्का सा ऑयल लगा के इस तरीके से आटे में से अच्छे से लगा लेंगे। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट ही हमें इसको रखना है, जिससे कि हमारा जो नमकीन है वो आसानी से निकले। तो मशीन में इसको हम डाल देंगे, तब इसका ढक्कन हम लगा देंगे। तो अब ये हमने तेल को गर्म कर लिया है, तेल इसमें मीडियम ही गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा धुआंदार तेल गर्म हमें नहीं चाहिए। तो मशीन को अब इससे रखेंगे और इस तरीके से घुमाते जाएंगे। देखिए कितना इजीली बन रहा है, बस एक ही साइड से हमें इसे घुमाते जाना है। तो थोड़ी देर फ्राई होने पर अब इसको पलटेंगे। तो थोड़ी देर फ्राई होने पर ही हमें इसे पलटना है, तुरंत हमें इसे नहीं बिल्कुल भी टच करना है। तो दूसरे साइड से भी हमने फ्राई कर लिया है, बहुत ज्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है हमें इसे, बस क्रिस्पी होने तक ही फ्राई करना है, और ठंडा होने के बाद ये ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। ऐसे ही हम दूसरे भी बना लेंगे। तो उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है, 1 चम्मच जितना। अब इसमें हम थोड़े से सरसों के दाने ऐड करेंगे। सरसों तड़कने पर अब इसमें हम मूंगफली के दाने ऐड करेंगे। ये हमने कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं, 1/4 कप। ध्यान रखें, जब सरसों तड़के तभी हमें इसमें मूंगफली ऐड करनी है, अगर सरसों कच्ची रह जाएगी तो फिर उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है, कड़वा लगता है। तो ये 2 हरी मिर्च ली है, जिसको इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो मूंगफली के दानों को भी हमें थोड़ा फ्राई कर लेना है। तो ये हमें थोड़े से मखाने लिए है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये थोड़े से फ्रेश करी पत्ता है, उसको हम हाथों से तोड़ के डाल देंगे। करी पत्ते का टेस्ट किसी भी नमकीन में बहुत ही अच्छा आता है। हींग ऐड करेंगे 2 चुटकी, तो थोड़ा और इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो हम खाली मूंगफली के दाने और मखाने का यूज किया है। आप चाहे तो इसमें काजू, बादाम या फिर सूखे नारियल को स्लाइसेस में कट करके भी डाल सकते हैं, या आपकी इच्छा है कि क्या आप इसमें डालना चाहते हैं।
और क्या नहीं, जो भी आपको पसंद है या आपके घर में अवेलेबल है उससे आप इसे बना सकते हो। तो 2 से 3 चुटकी इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी से एक अच्छा सा कलर भी आएगा और हल्दी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है नमकीन में। थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड करेंगे, सेव में ऑलरेडी नमक है इसलिए नमक हमें एकदम ध्यान से ही डालना है। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा, तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसा भी तीखा खाना आप पसंद करते हो नमकीन में। यह हमने चटपटे टेस्ट के लिए 1/4 चम्मच चाट मसाला लिया है। तो हम जो नमकीन बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से तीखा चटपटा बना रहे हैं। तो ये जो सेव हमने बनाई थी वो देख सकते हैं एकदम टेस्टी हो गई है। इसको हमने तोड़ लिया है, थोड़ा और तोड़ लेंगे। अब आवाज सुनकर तो पता चल रहा होगा कितनी ज्यादा टेस्टी है। इसको हम इसमें डाल देंगे। तो बस ये हमारा बहुत ही चटपटा नमकीन बनकर रेडी हो गया। देखा आपने बहुत ही आसानी से कितना क्विकली बनकर रेडी हुआ है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप चाहे इस तरीके से खाली सेव को भी बना के खा सकते हैं, ये भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और चाहे तो इस तरीके से नमकीन को भी बना सकते हैं। दोनों ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, दोनों का ही अपना अलग टेस्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो जरा से पसंद आई तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटी पे क्लिक करना ना भूले। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।